हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का रिजल्ट आ चुका है गाइस, सो गाइस बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे का प्रोसेस क्या है गाइस, इस चीज़ को आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे, पूरे प्रोसेस को जानेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। एंड शुरू से लेकर के मैं आपको एंड तक बताऊँगा कि क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं। तो गाइस, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर में कौन सा कॉलेज मिलेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि पूरे स्टेप के बारे में। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप यही है गाइस कि आपका तो रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है गाइस, कुछ दिन के बाद 15 से 20 दिन के अंदर में इसका काउंसलिंग होता है गाइस। काउंसलिंग होता क्या है गाइस कि काउंसलिंग में अपना अपने मार्क्स अकॉर्डिंग या तो फिर आप उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है गाइस। वहाँ पे आप अपने अनुसार जो आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है वो आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आप क्या आपका गाइस मार्क्स कम है और कॉलेज अच्छा अच्छा सेलेक्ट कर लिया तो मिल जाएगा? नहीं गाइस, देखिए आपके मार्क्स अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है गाइस। तो आप अपने मार्क्स अकॉर्डिंग या फिर किसी तरह से आप अगर कॉलेज अपना सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपका उतना मार्क्स होगा तभी आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आप उतना मार्क्स नहीं होगा तो फिर आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, तो आप बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस उम्मीद रहता है 90% चांस रहता है कॉलेज मिल ही जाता है। हाँ, अगर आप मान लीजिए गाइस आपका रैंक काफ़ी कम है और कॉलेज पूरा टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मिलने के चांसेस कम होता है गाइस। तो गाइस फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप होता है गाइस कि जिससे आपको काउंसलिंग होता है गाइस, उसके बाद काउंसलिंग के बाद गाइस जाता है आपका वहाँ से जो अलॉटमेंट लेटर आता है गाइस काउंसलिंग के बाद। तो गाइस काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर होता है, और अलॉटमेंट लेटर में यही होता है गाइस अगर आपका कॉलेज सिलेक्ट हो चुका है, अगर मतलब आप उसके लिए एबल हैं, जो जो कॉलेज आप भरे हैं, जो जो कॉलेज चाह रहे हैं, अगर आप उसके लिए एबल हैं गाइस तो आपको वहाँ कॉलेज की तरफ से आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा जिसमें आपका लिखा हुआ रहेगा हर एक चीज़। अब आप वहाँ जाने के लिए फिर आप एडमिशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर गाइस जब आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा उसको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर आप एडमिशन के लिए टाइम मिलेगा और फिर आप जाके एडमिशन फाइनली करा पाएंगे। तो गाइस ये तो रहा आपका पूरा प्रोसेस आपका रिजल्ट से लेकर के एडमिशन तक का। लेकिन आप गाइस ये बात करते हैं ना कि कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज आपको मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं जीपी आदित्यपुर, जीपी धनबाद और जीपी रांची आने के लिए, तो आपको गाइस कम से कम 600 रैंक के अंदर आना होगा, 500 से 600 रैंक के अंदर में आपको आना होगा, तभी जाके ये सब तीनों कॉलेजेस आपको मिल पाएंगे बिल्कुल ईजिली तरीका से। गाइस चांसेस तो है, अगर आप 1000 रैंक के अंदर में है तो भी इन तीनों कॉलेज आने का चांस है, लेकिन 100% चांस तभी है जब आपका गाइस 600-700 रैंक के आप अंदर में है। मतलब गाइस बोल सकते हैं तो अगर आपको आदित्यपुर जाना है तो गाइस 200 रैंक के अंदर में आपका आना होगा, अगर आपको आदित्यपुर जाना है गाइस तो 200 रैंक के अंदर में आना होगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो अगर आपका अगर 500 रैंक भी है तो आदित्यपुर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और जीपी धनबाद माने के लिए आपको 500 रैंक के अंदर में आना होगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको गाइस अगर 1200 से 1500 या 2000 के बीच में भी अगर है आपका सी एम एल रैंक तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा गाइस। तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है वहाँ पे सी एम एल रैंक और कैटेगरी रैंक दो का होता है। सी एम एल रैंक मतलब होगा इसके ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक है, ठीक है। और कैटेगरी रैंक मतलब गाइस आपके कैटेगरी के अनुसार, अगर आप ओ बी सी हैं तो ओ बी सी के अनुसार, अगर आप एस टी हैं तो एस टी के अनुसार, ये चीज़ होता है गाइस। तो गाइस मैं आपको फाइनली ये बता दूँ कि अगर आपका 1000 रैंक के अंदर में है तो ये तीनों कॉलेज आपको मिल सकता है जो टॉप कॉलेजेस है। अदरवाइज आपको गाइस अगर 2000 के रैंक के अंदर में है तो आपको जीपी दुमका, जीपी क्या बोलते हैं साहेबगंज, जीपी लातेहार, बहुत सारे ऐसे कॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे और भी कॉलेजेस है गाइस, वो सब आपको मिलेंगे। मतलब गाइस अगर फाइनली बात करें तो अगर आप 6000 के रैंक के अंदर में है, 6000 गाइस, तो आपको पक्का है कि आपका एडमिशन हो जाएगा गाइस एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में गाइस। बहुत सारे कॉलेज है, भागा कॉलेज है आपका, निरसा कॉलेज है, निरसा पॉलिटेक्निक, भागा पॉलिटेक्निक, लातेहार पॉलिटेक्निक, रांची वुमेंस पॉलिटेक्निक, आदित्यपुर वुमेंस पॉलिटेक्निक, तो बहुत सारे सीट रहती है गाइस। तो अगर आप 10000 रैंक में भी हैं तो आप तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर 10000 से 15000 के रैंक के बीच में है तो भी आपको कॉलेज सरकारी मिल ही जाता है गाइस, ठीक है। तो लेकिन गाइस ये होता है ना कि आप काउंसलिंग किस टाइप कर रहे हैं, काउंसलिंग पर भी आपका डिपेंड करता है आपके कॉलेज, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग अच्छा से नहीं कीजिएगा, अगर आपका रैंक कितना भी अच्छा हो तो आपको मे बी चांसेस कम होते हैं। क्योंकि गाइस मैं आपको काउंसलिंग टाइम भी हेल्प करूंगा और काउंसलिंग टाइम भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा आपका हेल्प करूंगा, तो चैनल से लगातार आप जुड़े रहें। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपको हर एक तरह से गाइड कर सकूं।